नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का सातवां सवाल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में ये कार कितनी दूरी तय करेगी। आपको पता है 1 लीटर का दे रखा है और ज़्यादा का पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आपको पता है कि 1 लीटर पेट्रोल में कार दौड़ती है, कितना दौड़ रही है, 16 किलोमीटर। तो आपको ये बताना है 2 सही 3/4 लीटर, इसका सही बनाएंगे हम क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 में क्या जोड़े, 9, 10, 11, 3 क्या लिखेंगे हम इसको, 11/4 लीटर पेट्रोल में कार दौड़ेगी, क्या होगा, 16 × 11/4, ठीक है। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, कट गए आपस में, तो 4 को 11 से गुणा किया तो कितना आया, 44 किलोमीटर, और यही क्या हो गया, आपके आंसर हो गए। तो जब आपको 1 का दिया जाए और ज़्यादा का पूछे तो हमें क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी गाड़ चलती थी, 16 किलोमीटर, तो 2 सही 3/4 लीटर में कितनी चलेगी, 44 किलोमीटर, यही क्या हो गया, आपके आंसर हो गए, ठीक है। पहला बक्से में संख्या लिखी है ताकि 2/3 × 10/30 के। अब आपको यहाँ बक्से में संख्या लिखनी है कि 2/3 को हम किससे गुणा करें कि 10/30 आए। तो 2 का पहाड़ा बोल लो 10 में, कितनी बार में आता है, 2 × 5 = 10, 5। 3 का पहाड़ा बोलो 30 में, कितनी बार में, 10 बार में। तो 2 को 5 से गुणा किया 10, 3 को 10 से गुणा किया, क्या आया, 30। तो क्या आएगा बक्से में, 5/10 में संख्या लिखिए ताकि ये क्या हो गया, ठीक है। अब है 5/10 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, न्यूनतम है मतलब इसको काटना है आपको, 5/10 को काटेंगे तो आपको पता है 5 से कट जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, तो क्या लिखेंगे, 1/2। बक्से में संख्या लिखिए ताकि 3/5 गुणा करके 24/75 आए। तो 3 का पहाड़ा बोल लो 24 कितनी बार में आते हैं, 3 × 8 = 24, 8 बार में। 5 के पहाड़े में 75 कितनी बार में आते हैं, आप भाग दे लो, 5 × 5 = 2, 5 × 25, तो 8/15। तो 3 को 8 से गुणा किया तो 3 × 8 = 24, 5 को 15 से गुणा किया तो 75, ठीक है। तो यहाँ 8/15 में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप, अब 8/15 है, अब आपको पता है 8 और 15 किसी से भी नहीं कटती है, तो हम क्या करेंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका न्यूनतम रूप हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो यही क्या हुए, आपके आंसर हो गए। अब अपन करेंगे 2.4 का पहला सवाल। ज्ञात कीजिए, पहला देखो 12 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख देते हैं। अब भाग के चिन्ह को हम गुणा में बदल देते हैं, तो इस संख्या का हमें व्युत्क्रम करना होता है। व्युत्क्रम का मतलब अंश को हर में और हर को अंश में, यानी 4 ऊपर और 3 नीचे। जब भाग का चिन्ह होता है तो हम इसको गुणा में बदल देते हैं। गुणा में बदलने पर ये जो होता है इसका हम प्रतिलोम कर देते हैं, मतलब व्युत्क्रम कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो अंश हर में बदल जाता है, हर को अंश में लिख देते हैं। अब कटे तो काट देंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, 4 को 4 से गुणा किया तो क्या है, 16 आंसर। इसी प्रकार 14 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, भाग के चिन्ह को किस में बदल दिया मैंने, गुणा में, तो क्या करूँगी, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दिया तो 6 ऊपर और 5 नीचे। अब कट रहे नहीं कट रहे तो इंटू कर दो,
6 चौक 24 के 4, हासिल के 2 6 कम 6 7 8, 84/5। चाहो तो आप इसके मिश्र भिन्न में आंसर दे दो, नहीं तो ये भी आंसर क्या है, सही है। मिश्र भिन्न में देंगे तो क्या बच्चे, 3 5 6 30 4, क्या लिखेंगे, 16 सही 4/5, नहीं तो 84/5 भी सही है। अब 8/1 भाग के चिन्ह को किसमें बदल दिया, गुणा में, तो 3 ऊपर और 7 नीचे, कटी नहीं रहे तो अंश को अंश से गुणा, हर को हर से गुणा, 8 3 24/7। 4 भाग के चिन्ह को किसमें बदल दिया, गुणा में, 3/8 कट रहे, 4 एकम 4 4 दुनी 8, क्या आंसर आ गए, 3/2। ठीक है, इसका 5वां, 3 भाग 2 सही 1/3 और 5 भाग 3 सही 4/7। तो 3 भाग, सबसे पहले इसको 3 दुनी 6 और 1 7 7/3, भाग के चिन्ह को किसमें डालेंगे, गुणा में, तो अंश ऊपर और हर नीचे, इसके नीचे 1 लिख दो, 3 को 3 से गुणा किया 9 9/7। मिश्र भिन्न में आंसर दे दो, क्योंकि सवाल मिश्र भिन्न में, इसमें कोई जरूरी नहीं था देना, लेकिन इसमें मिश्र भिन्न में देना जरूरी, क्योंकि सवाल का ही में या मिश्र भिन्न में, 7 एकम 7/2। ठीक है, अब यहाँ 5/1 भाग के चिन्ह को किसमें बदल दिया, गुणा में, पहले भाग, 7 7 14 7 21, पहले 7 को 3 से गुणा किया 21 21 में 4 जोड़े तो 21 और 4 25/7। 5/1 भाग के चिन्ह को किसमें बदल दिया, गुणा में, अंश ऊपर और हर नीचे, कट रहा है, 5 एकम 5 पचम 25, क्या आया, 7/5। इसको सब मिश्र भिन्न में बनाएंगे तो 5 एकम 5, कितने बच्चे, 2, तो क्या लिखेंगे, 1 सही 2/5, यही क्या हो गए आपके आंसर हो गए। धन्यवाद।